पहली बार ही आप घर बनाना सीख रही हैं, तो जल्दी से इस पनीर को भून ही गई थी। और ये मैंने कैसे किया और किस तरीके से मैंने कितना क्या कितना क्या लगाया सारा कुछ इस वीडियो में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो इसे सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। सो चलिए, हाय गाइस, आज मैं बात करना चाहूँगी कटरी आइस के बारे में, जो कि ज़्यादातर सबको अट्रैक्टिव लगती हैं और लड़कियों को तो खास करके बहुत अच्छी लगती है। तो ऑल ओवर मैंने मेकअप कर लिया है, उसके बाद अब मैं शुरुआत करती हूँ आइस पे। हम आइस बनाएंगे कटरीज वाली, शुरुआत करते हैं। मैं लूँगी यहाँ ऑलिविया का कंसीलर, जो कि आपकी शेड का जो भी कंसीलर हो वो आप ले सकते हो। इधर मैं ऑलिविया का ले रही हूँ, तो इस तरीके से मैं इससे अपनी आइस पे आसानी से लगा लूँगी इसे, दोनों साइड पे लगाना है अच्छे से। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं हिलेरी रोडा का पाउडर लूंगी, जो कि मैट पाउडर है, और आपके जो भी पाउडर हो या आपके लूज पाउडर हो, बनाना पाउडर हो, जो भी आप कंसीलर को फिट करना चाहते हो इससे कर सकते हो आसानी से, या किसी भी कंपनी का हो पाउडर लेना है, उसे अच्छे से सेट कर लेना है जिस पे हमने कंसीलर लगाया था, ठीक है। लकी ब्रश जो कि आपको दिख रहा होगा इस टाइप की शेड में होता है। उसके बाद मैं ये वाली पैलेट में से एक सिंपल सा कलर लूँगी, मैं इसमें से ये लाइट शेड लूँगी जिससे मैं क्रीज बनाऊँगी अपनी। बना लिया है, अब उसके बाद मैं आईब्रो को फिलअप करूंगी, जो कि बहुत जरूरी है। आईब्रो फिलअप नहीं होती तो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आईज का। यहाँ मैं अच्छे से आईब्रो फिलअप करूंगी, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अच्छे से हम दोनों साइड के आईब्रो फिलअप कर लेंगे और एक शेप देंगे। उसके बाद मैंने आईब्रो फिलअप करा, फिर अब मैं निकालूंगी कट क्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से देखना और किस तरीके से बना रही हूं। स्मॉल ब्रश ले रही हूँ, जो आपके जो हो पर इस टाइप का थोड़ा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि क्रीज बनने में आसानी हो। उसके बाद मैं ऑलिविया का कंसीलर भी ले रही हूँ, आपके जो कंसीलर हो आप उसे कर सकते हो। कंसीलर को इस तरह से और क्रीज कट क्रीज निकालने के लिए थोड़ा इस तरीके से हम आइस को ऐसे ऊपर साइड पर ले जाएंगे और एक ऐसे करके कर लेंगे जिससे कि हमें पता पड़ जाएगा, अंदाजा लग जाएगा हमें कहाँ तक बना रहे हैं। थोड़ा ऊंची बनाऊंगी तो और अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ी ऊंची बनाइए और आंखें अपनी बड़ी दिखाइए दिखाने के लिए। यहाँ मैं लगा रही हूँ सिंपल टेप, जो सेलो टेप होता है उसे एक अच्छी शेप आ जाती है, और आइज का जो भी हम कलर लगाते हैं वो बाहर नहीं निकलता एक अच्छा। हाँ, मैं इस वाली पैलेट से नेवी ब्लू कलर लूँगी और ये टॉप वाला कलर लूँगी, दोनों को मिक्स करके लगाऊँगी तो डार्क से। इसके बाद इसके लिए ब्रश चाहिए मेरे को, ब्रश जो आइज के ब्रश हैं वो आप दोनों देख सकते हो, गोल वाले ब्रश होते हैं जो कि अच्छे से फिलअप करने के लिए। नेवी ब्लू थोड़ा डार्क है तो वो कॉर्नर से लगाएंगे हम। तो गाइस, यहाँ मैं लास्ट वाले कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, जो कि डार्क कलर से होती है शुरुआत, तो नेवी ब्लू लगा रही हूँ इधर मैं, और डार्क से हमेशा लास्ट में ही आता है, लाइट आगे आता है, सो ये चीज़ अभी ज़रूर ध्यान। सो गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पीच डार्क पीच कलर लूँगी, जो कि मेरे टॉप से मैच कर रहा है, उसको मैं अच्छे से बीच में फ्लप करूँगी, और ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से फ्लॉप कर रही हूँ। देन आप लोग देख सकते हो कि लुक अलग ही आ रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया मैं इस शेड में से, क्योंकि इसमें सारे लाइट हैं तो ये शेड मेरे को बहुत पसंद है, तो इसमें से ये वाला लगाऊंगी मैं, जो कि गोल्डन में आता है, थोड़ा बहुत ही यूनिक कलर है। जाता है और आगे से एकदम परफेक्ट हो जाता है, स्किन में मैच कर जाता है, तो जितना अच्छा
जो ब्रिज से लगता है उससे ज़्यादा उंगली से सेट हो जाता है, तो थोड़ा सा उंगली से सेट कर देना हमको। अभी आप आईज देख सकते हो, उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी हाइलाइटर, हाईलाइट एरिया करने के लिए हाइलाइटर ले रही हूँ मैं यहाँ। अभी मैं इसको हाईलाइट कर दूँगी अच्छे से। अभी मैं टेप को कर दूँगी रिमूव। उसके बाद मैं जो नेवी ब्लू कलर लिया था उसे लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी अच्छे से, और पूरी आईज ऑल ओवर आईज के नीचे लगा दूंगी। अभी आप लोग देख सकते हो कि दोनों आईज बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम लाइनर अप्लाई करेंगे। आप शुरुआत पतला लाइनर लगा कर करें, फिर आप जितना चाहो मोटा लगा सकते हो। अगर आप शुरुआत से मोटा लगाओगे तो आपका लाइनर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप कोशिश करो शुरू में पतला लगाओ, फिर आप जितना मोटा चाहो लगा सकते। लाइनर मैंने थोड़ा मोटा लगाया है, आप लोगों को जैसा पसंद हो आप वैसा लगा सकते हो। थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इस टाइप का लाइनर लगाओगे तो अलग ही दिखोगे सबसे पार्टी में। बाद में अप्लाई कर रही हूँ काजल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन स्टाइल में। सो उसके बाद काजल को मैं अच्छे से दोनों साइड आँखों में लगा लूँगी, और उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, जो कि और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मस्कारे से हमारी आँखें आईलेसेस बहुत अच्छे से ऊपर की ओर वॉल्यूम दे देते हैं। लगा सकते हो जो कि थोड़ा बड़ी पार्टी हो तो उसमें अट्रैक्टिव लगता है। अगर नहीं लगाना है तो मस्कारा थोड़ा अच्छे से डबल कोट का लगाइए तो अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ हाइलाइटर, जो कि थोड़ा आँखों को और लुक अच्छा दिखाने के लिए हाइलाइटर इनर कॉर्नर में और हमारे ब्रो बोन एरिया पे, जो कि आईब्रो को अलग लुक देता है। सो ये ज़रूरी पार्ट है, इसे थोड़ा लगा के अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ये है गाइस